आज की वीडियो में हम बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी गेहूं के आटे और पालक से बने नमक पारी की रेसिपी देखेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही आप इसे एक महीने तक आराम से स्टोर कर भी रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 कप भर कर गेहूं का आटा। ये रेसिपी गेहूं के आटे से भी बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार होती है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में मैंने इसमें बारीक वाला रवा मिक्स किया है। हो सके तो आप भी बारीक रवा ही मिक्स करें इसमें। अब इसमें मैंने नमक मिलाया है। नेक्स्ट इसमें जाएगा अब अजवाइन, जिसे मैंने हाथों से रब कर डाला है। उससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इन सभी चीज़ों को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक इस तरीके से एक इसमें होल बना लेंगे। अब इसमें मैं 1/4 कप तेल मिलाऊंगी और इस तेल को हमें आटे में बहुत अच्छे से रब करते हुए मिक्स करना है। इस प्रोसेस को मोयन लगाना कहते हैं। इससे जो हम नमक पारे बनाएंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे कि इस आटे का जो टेक्सचर है वो एकदम क्रमली हो जाएगा, यानी कि दरदरा सा लगने लगेगा आपको हाथों में। अब ये आटा बिल्कुल तैयार है तो इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब मेरे पास में यहाँ पर 1 बंच पालक है। अगर इसे कप से नापेंगे तो ये 3 कप है। इस पालक को मैंने अच्छे से धोकर क्लीन कर लिया है। अब इसे मैं एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर दूंगी। वैसे तो आज की रेसिपी में हमें कोई मेजरिंग कप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी चीज़ें अपने घर की कोई भी एक कप या फिर कटोरी से नाप कर डालेंगे तो ये रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो अभी हमारी पालक की प्योरी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे पीसने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें, जितना हो सके उतना कम पानी डालकर इसकी एक फाइन सी प्योरी बनाकर रेडी कर ले। अब ये जो पालक की प्योरी है उससे हम ये आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कर ये पेस्ट को मिलाएंगे, एक साथ सारा नहीं मिलाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मिलाकर इसका एक मीडियम टाइट डो बनाकर तैयार करेंगे। अब ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब इसे मैं ढककर 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रेस्ट के लिए रखूँगी, ताकि जो हमने इसमें रवा मिलाया है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब 15 मिनट के बाद में इस आटे को फिर से चेक करेंगे। इसे मैं एक बार फिर से नीट कर लूँगी अच्छे से और इसके इक्वल साइज़ के 4 बॉल्स बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। अब इसे एक बार मैं अच्छे से स्मूथ कर लूँगी, ताकि अगर इसमें कोई क्रैक्स होंगे वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। और अब इसकी मैं एक बड़ी सी और एकदम पतली सी रोटी बनाकर तैयार करूँगी। अगर आपको एकदम क्रिस्पी नमक पारे पसंद आते हैं तो इस रोटी को आपको एकदम पतला बेलकर तैयार करना होगा। तो मैंने इसे एकदम पतला बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसे मैं कट करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें कितने पास पास में कट लगा रही हूँ। वैसे तो आप इसे अपने पसंद के किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रिप कट करने से ये जो नमक पारे हैं बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो अब ये हमारी एक बैच बनकर तैयार हो गई है। साथ ही साथ मैं इसे फ्राई करती जाऊंगी और साइड बाय साइड में दूसरे भी बेलकर कट कर लूंगी। अब इस तरीके से मैं एक नाइफ से इसे निकाल लूंगी अच्छे से और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो पहले मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम पतले पतले बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है। गर्म तेल में हमें इसे मीडियम हीट पर अच्छे से फ्राई करना है। तो कढ़ाई में जितना तेल है उसके हिसाब से एक बार में जितने नमक पारे आते हैं उतने ही डालें। ज़्यादा डालने से क्या होगा, तेल का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और आपको इसे अच्छे से मिक्स भी नहीं करते आएगा। तो इसे मीडियम हीट पर हम लगातार इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। क्योंकि ये ग्रीन कलर के हैं तो हमें इसका कलर समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये हल्का सा जब आपको गोल्डन दिखने लगे और जब आप इसे चम्मच से इसे हिला रहे हैं तो आपको ये चम्मच में हल्के हल्के से कड़क लगने लगेंगे, तब आप इसे बाहर निकाल लें। तो मैंने इसे मीडियम हीट पर लगातार इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से पका लिया है। इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और थोड़े से क्रिस्पी भी लगने लगे हैं। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरीके से हम दूसरे नमक पारे भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें आप पहले अच्छे से ठंडा हो जाने दें और ठंडा होने के बाद में आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने तक आराम से स्टोर कर एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हमारे बहुत ही क्रिस्पी से बहुत ही टेस्टी नमक पारे बनकर तैयार है। इन्हें आप अपने बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर चाय या कॉफ़ी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये चाय के साथ में खाना पसंद है एंड आई गेस ये बिस्किट से तो एक बेटर ही ऑप्शन है। रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।